एक्यूरेसी शिपिंग लिमिटेड की इस शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो बिल्कुल सरल भाषा में होगी और दो पार्ट में होगी और दोनों के दोनों पार्ट आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। पहली होगी क्विक एनालिसिस, जहाँ पे हम सारे डेटा को परसेंटेज वाइज देखेंगे, और दूसरी होगी डिटेल्ड एनालिसिस, जहाँ पे हर नंबर्स को हम रियल नंबर्स में ब्रेक डाउन करके देखेंगे, जिससे समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और ये पता चल जाएगा कि हर क्वार्टर में या फिर हर फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के भीतर एक्चुअल में ग्रोथ कितनी है। उसके बाद हम इस सेक्टर की और कंपनियों पर भी नज़र डालेंगे। अगर आपको लॉजिस्टिक की सेक्टर में ही पैसे लगाने हैं, निवेश करने हैं, तो आप इस सेक्टर की अच्छी कंपनी पे करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। लेकिन ग्रोथ को और आपके प्रॉफिट को और ज़्यादा मैक्सिमाइज करने के लिए हम सबसे पहले कुछ ऐसी कंपनीज को पिक करेंगे इस सेक्टर की, जो कि होगी ब्लू चिप, और उसके बाद कुछ स्मॉल कैप्स कंपनी होंगी जिसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होगी। फिर हम इस कंपनी की जो एक्यूरेसी शिपिंग है, इसकी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को देखेंगे, जहाँ पे ये पता चल जाएगा कि कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी पे कितना भरोसा करते हैं, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्ड एनालिसिस एल्गो लगा के एनालिसिस कर करके और इनसाइडर इन्फॉर्मेशंस निकाल निकाल के निवेश करते हैं, उन लोगों की क्या रवैये हैं इस कंपनी को लेके। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा, इसकी आसान भाषा पसंद आएगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो का जनता जनार्दन की जय बोल के। तो सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बात करें तो 146 करोड़ की टोटल मार्केट कैप रखने वाली ये कंपनी 108 करोड़ का कर्जा भी रखती है अपने ऊपर, जो कि काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ है। ऊपर से सेल्स ग्रोथ रेट की बात करें तो 7% है, और प्रॉफिट ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव में है 55.79%, जो कि अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ROE और ROCE पे चर्चा करें तो आपको एक बात जाननी चाहिए कि कंपनी कोई सी भी हो, अगर उसकी ROE और ROCE 10 के नीचे है या फिर 30 के ऊपर है तो दिक्कत वाली चीज़ है। तो यहाँ पे आपको ये दिक्कत शुरुआत के दौर में ही देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट ग्रोथ रेट नेगेटिव में है, सेल्स ग्रोथ रेट काफ़ी कम है, और ROE और ROCE काफ़ी कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इस सारे नंबर को हम रियल नंबर्स में ब्रेक डाउन करेंगे, तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसके इनकम स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करके। तो हम इसको क्वार्टरली लेके चलते हैं, तो हम पाएंगे कंपनी की जो रेवेन्यू है वो तो ग्रो कर रही है, जून के तुलना में 2023 के सितंबर क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा आई है, लेकिन ऑपरेशनल इनकम कंपनी के पास फिर भी नहीं आया है। अगर ऑपरेशनल इनकम नहीं आ रहा है और अदर सोर्सेज से आपको कंपनी में इनकम आती हुई बैलेंस शीट में दिख रही है, तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि कंपनी को चलना पड़ता है ऑपरेशनल रिजल्ट के दम पे। कितने दिन तक ये जो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है वो आएंगे तो कंपनी चलेगा, कभी सोचा है आपने? हमेशा ख्याल रखिए कि जिस भी कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं उस कंपनी में ऑपरेशनल इनकम आती रहनी चाहिए। इसके अलावा अब हम चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पे, जहाँ पे हमको ये पता चलेगा कि कंपनी के भीतर एसेट्स मैनेजमेंट कैसे हो रहे हैं, और एसेट्स मैनेजमेंट को ये बता देता है कि मैनेजमेंट कैसी है। अगर मैनेजमेंट अच्छी रहती है तो कंपनी के ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़िया रहते हैं, और ऑर्डर बुक बढ़िया रहते हैं तो कंपनी के एसेट्स में ग्रोथ हो रही होती है, क्योंकि मैनेजमेंट चाहती है कि जल्दी से जल्दी जो उनको ऑर्डर मिले हैं वो डिलीवर कर दिए जाए जो भी पार्टी है उनको। तो यहाँ पे हम पा रहे हैं कि कंपनी के जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में एसेट मैनेजमेंट है वो पहले की तुलना में थोड़ी सी ढीली हुई है, 14 करोड़ के एसेट्स कम हुए हैं कंपनी के भीतर, जो कि थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ है। अब इसके बाद में अगर हम कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो 8.13 रुपये इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है, और जो कंपनी के शेयर के भाव हैं 9.75 रुपये हैं, तो थोड़ी सी अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से ऊपर में ये शेयर तो मिल रहा है। तो एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कंपनी कोई भी हो, अगर उस सेक्टर की लीडिंग कंपनी है तो आप इंट्रेंसिक वैल्यू से ऊपर में पैसे लगा के शेयर को खरीद सकते हैं, लेकिन उस सेक्टर की स्ट्रगलिंग कंपनी है और वो भी अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से ऊपर में ट्रेड कर रही है, साथ में उसके फंडामेंटल्स भी खराब है, तो निवेश करना हो सकता है कि आपको नुकसानदायक हो जाए। चलिए अब आगे चलते हैं और कैश फ्लो को देखते हैं। कैश फ्लो को ये बता देता है कि कंपनी के बैंक खाते में कितने रुपए आए हैं, कहीं ये सिर्फ इनकम जो दिखा रहा था इनकम स्टेटमेंट चार्ट पे वो स्टेटमेंट वाले रहते हैं, लेकिन कैश फ्लो में जो दिखता है वो पता चलता है कि कंपनी के बैंक खाते में कितने आए हैं। तो 2023 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 19 करोड़ के कैश फ्लो आए हैं जो कंपनी के भीतर। तो कंपनी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम से इस कैश को लाई है, क्योंकि ऑपरेशनल रिजल्ट तो कंपनी ने दिए नहीं है, तो इस कंपनी को इससे ये फायदा हो जाएगा कि जो भी कर्ज कंपनी के ऊपर है उसके निवारण में कंपनी पैसे लगा सकती है, और थोड़े बहुत अपनी जो है एक्सपेंशन पे भी पैसे लगा सकती है। तो कैश फ्लो का इतना फायदा इस कंपनी को तो मिल सकता है, एक पॉजिटिव चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। इसके अलावा इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है इंडियन मार्केट में ब्लू डार्ट एक्सप्रेस है, और भी बहुत सारी कंटेनर कॉर्पोरेशन है, ये सब कंपनियाँ हैं। अगर आप इस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो इस सेक्टर की और भी कंपनियाँ हैं जिसको आप एक बार देख सकते हैं। अब अगर इसमें शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को देखें तो हम पाएंगे कि कंपनी के भीतर से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जो स्टेक हैं वो काफ़ी कम हो रहे हैं, और इसके भीतर रिटेल इन्वेस्टर्स अंधाधुंध पैसे फूके जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लेके बैठे हुए हैं और वो इस कंपनी के स्टेक को खाली करके निकल रहे हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा उतावला हो कि इस कंपनी के भीतर पैसे लगाने की जरूरत है नहीं। अगर फिर भी पैसे लगा रहे हैं तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से राय विचार कर लें, तभी जाके किसी भी कंपनी में पैसे लगाएं। देखिए कंपनी जो है वो इतनी ज़्यादा डिविडेंड देती भी नहीं है, सबसे पहली चीज़, और उसके बाद कंपनी के भीतर से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने स्टेक्स को कम कर रहे हैं, फंडामेंटल कंपनी की उतनी अच्छी है नहीं,
तो आप किस बेसिस पे इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।